आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए पास्ता, जो कि बहुत बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है और कुछ ना कुछ खाने को चाहिए बच्चों को। तो हमें बच्चों को कुछ हेल्दी और अब जो आसान तरीके से बन सके हम आज वो बनाएंगे। आज नाश्ते में हम बच्चों के लिए बनाएंगे पास्ता, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। चलिए फिर दिखाते हैं इसमें क्या क्या सामान मिलेगा। आइए, हमने टमाटर भी काट लिया है, ये देखिए इस तरह से काटना है, छोटे थोड़े छोटे छोटे। और हमने प्याज लंबे साइज में लिया है, ये देखिए इस तरह से हमें लंबे लंबे साइजों में काट लेना है। ये दो प्याज हैं मीडियम साइज और टमाटर है। और अब चलिए शुरू करते हैं बनाना। गैस जलाते हैं, इसका फैन रखते हैं, हम इसमें पानी अब डालेंगे, थोड़ा सा हम तेल डालते हैं इसमें कि आप उसमें चिपके ना। अब इसे हम ढक देंगे कि जल्दी से उबल जाए। उबल जाने के बाद हम ये अपना पास्ता इसमें फिर डाल देंगे। इसको ढक देते हैं, तब तक हम मसाला तैयार करते हैं। आइए, जब तक ये उबलेगा तब तक हम अपना मसाला तैयार कर ले। चलिए मसाला तैयार करते हैं। ये रिफाइंड है, ये छोटा चम्मच, इसे हम डेढ़ चम्मच डालेंगे, बस हमें थोड़ा सा ही तेल लेना है। तेल गरम हो जाने पे थोड़ा सा जीरा डालेंगे। तेल हमारा गरम हो गया, और इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं। जीरा हमारा चटक गया है, अब इसमें हम प्याज डालते हैं। जब हमारा प्याज लाल हो जाएगा तो बाकी के सामान हम डालेंगे एक एक करके। हमारा प्याज लाल हो जाता तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा पानी उबल चुका है, ये देखिए। अब इसमें हम अपना पास्ता डाल देंगे। तो हम ढक देते हैं कि जल्दी हो जाए। चलते हैं प्याज की तरफ। बस हमारा प्याज होने ही वाला है। सच में बहुत बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया, बच्चों को तो इतना पसंद आएगा कि आप यकीन नहीं मानेंगे, बार बार मांगेंगे वो खाने के लिए। सच में कभी ट्राई करके ज़रूर देखिए। फिर लॉकडाउन की वजह से सारी दुकानें बंद, मैं इसमें पहले क्रीम डाला करती थी लेकिन क्रीम नहीं मिला, तो मैंने सोचा एक बार दूध डाल करके बना के देखते हैं। वाकई में क्रीम से भी ज़्यादा टेस्टी बना। मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए, आपको भी बच्चों को बहुत
हर घर में होता है, दूध तो हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन क्रीम जो है तो घर में हर वक्त मौजूद नहीं रहता है, और दूध तो सबके घरों में रहता है। बस प्याज हमारा होने ही वाला है, एक बार पास्ता देख लेते हैं। अब इसे हम गैस को हल्का कर देते हैं और धीरे धीरे आंच पे हो जाएगा। प्याज को भी गैस को हमने हल्का कर दिया, इसमें हम डालेंगे हल्दी। ये रही हमारी हल्दी, थोड़ा सा हल्दी डालना है हमें। चौथाई चम्मच इसको हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा कम लगता है, हमें गैस को बिल्कुल लो रखना है इस टाइम पे, नहीं हल्दी हमारी जल जाएगी। अब प्याज भी और हल्दी भी हमारा हो गया है, हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर के साथ साथ जाएगा इसमें नमक। नमक थोड़ा कम ही रखिएगा, बाद में टेस्ट कर लेंगे। हम गैस को अब कर देते हैं मीडियम, पहले लो था जब हल्दी हमने डाला। अब इसमें थोड़ी सी मिर्च, चौथाई चम्मच, ये कुटी हुई मिर्च है, मैंने साबुत मिर्चों को मिक्सी में डाल के पीस लिया था मोटा मोटा, थोड़ा सा ही डालना है। इसे हम ढक के पकाएंगे कि जल्दी गल जाए हमारा टमाटर। बार फिर चलते हैं पास्ता की तरफ। पास्ता भी बस हमारा होने वाला है, जब तक ये होगा हो जाएगा तब तक हमारा मसाला भी तैयार हो जाएगा। चलते हैं एक बार फिर मसाले की तरफ। इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे कि जल्दी गले। हमारे जो पास्ता में पानी है हम उसी को डालेंगे। इसमें से ही हम पानी निकाल के इसमें टमाटरों में अपने मसालों में डालेंगे। ये देखिए हम गैस को बिल्कुल लो कर दे रहे हैं और इसे ढक के पकने देते हैं सिर्फ एक मिनट।
एक मिनट हो चुका है, अब अपने मसालों को चेक करते हैं। वाओ, देखिए टमाटर हमारा गल चुका है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, इसे मिला लेंगे हम इसे। इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब पास्ते का और थोड़ा पानी डालेंगे इसे। गैस को अब तेज कर लेंगे। इस तरह से इसका पानी थोड़ा इसी में डाल के हम पका लेंगे मसाले को खूब अच्छे तरीके से। तो एक मिनट पहले ही हमारा टमाटर डाल के हमने पका लिया था। हमारा पास्ता भी तैयार हो चुका है, गल चुका है ये देखिए। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया, अब इसमें हम डालेंगे दूध जो हमने 200 ग्राम दूध रखा था, अब वो हम डालेंगे इसमें। ये देखिए थोड़ा थोड़ा डाल के इसे मिक्स करेंगे। आंच को हाई गैस को पूरा फुल रखेंगे इस वक्त। सभी 200 ग्राम दूध को हमने डाल दिया है। 200 ग्राम हमारा पास्ता था और 200 ग्राम दूध। अब इसे हम जब तक हिलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। उबाल आने के बाद ये बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाएगा। बस इसमें भी एक मिनट लगता है, पूरे पास्ता बनाने में सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। 5 मिनट का वक्त लेता है ये, सिर्फ झटपट तैयार हो जाती है ये रेसिपी। बस अब इसमें हम अपना पास्ता डाल देंगे। बाकी कभी सभी हम इसमें डाल देते हैं।
इसको हम करेंगे मिक्स। इसमें हम अपना डालेंगे काली मिर्च तकरीबन आधा चम्मच चाय की, काली मिर्च तो डालने के बाद इसका टेस्ट आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी लाजवाब बनता है ये। बस हमारा पास्ता तैयार हो चुका। एक बार नमक चेक कर लेते हैं, सच में इसका टेस्ट आप भुला नहीं पाएंगे, इतना मज़ेदार और इतनी टेस्टी। चलिए इसे प्लेटिंग करते हैं, मैं अपने बच्चों को नाश्ता देती हूँ। ये पास्ता हमारा बनके रेडी हो गया है, अब मैं अपने बच्चों को देने जा रही हूँ। आप भी बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए और आप भी खाइए और एंजॉय कीजिए लॉकडाउन का। गुड बाय।